पालतल में, और ये बेस कैंप है अमरनाथ यात्रियों का। ये खीर बन रही है और बिना कोई आग जलाए, बिना किसी लकड़ी का या फिर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किए जो पोल्यूशन फैलाती हैं, जिनसे पर्यावरण को नुकसान होता है। देखिए, ये है एक सोलर कॉन्सेंट्रेटर, इसे सोलर कॉन्सेंट्रेटर या पैराबॉलिक सोलर कुकर बोलते हैं, और ये एकमात्र सस्टेनेबल सॉल्यूशन अभी आज की तारीख में उपलब्ध है हमारे पास, बिकॉज सोलर एनर्जी जो है वो एक अक्षय ऊर्जा है जो कभी ख़त्म नहीं होती। और ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, इसमें जो इसका GHI है जिसपे डिसाइड होता है कि यहाँ पे सोलर की चीज़ें चलेंगी या नहीं, वो बहुत हाई है, 5.2 के तकरीबन है। तो ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल और एकमात्र भविष्य का उपाय है जिसमें फॉसिल फ्यूल फ्री, स्मोक फ्री, पोल्यूशन फ्री कुकिंग हो सकती है, पानी गर्म किया जा सकता है, और वो सारी चीज़ें जो हम आग जला के या LPG स्टोव पे करते हैं या बड़े किचन्स में करते हैं, वो सारा इन सबसे पॉसिबल है। देखिए, ये पैराबॉलिक डिश है। ये पैराबॉलिक डिश को हम लोग एक बार शुरू में सेट कर देते हैं सुबह सन के साथ डायरेक्शन में, तो उसके साथ एक परपेंडिकुलर उसका एक जो डायरेक्शन बन जाता है, और ये सारा मिरर जो है एंगुलर पैराबॉलिक शेप में लगे हुए हैं जो अपना सारा कॉन्सेंट्रेटेड फोकल पॉइंट बनाते हैं। यहाँ पर किचन पर आप देखिए, जिसको कि हम कुकिंग वेसल पॉइंट बोलते हैं, तो ये जब यहाँ पर बनता है तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे कोई हानि नहीं है, मैं ऐसे हाथ लगा रहा हूँ तो भी कोई हानि नहीं है, लेकिन सिर्फ उस पॉइंट पे आप देखेंगे तो वहाँ पर आप 600 से 700 डिग्री का टेम्परेचर भी अचीव कर सकते हैं, और ये जो कुकिंग वेसल है इसी के ऊपर वो सारी हीट नीचे से आती है। इसमें देखेंगे आप काले कलर के हमने कुकिंग वेसल्स बनाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकें, तो ये चीज़ होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये ख़तरनाक बिल्कुल नहीं है, बहुत सेफ़ है, यूज़र के लिए बहुत सेफ़ है। ये इतना बड़ा आयोजन है इसलिए हमें इतनी बड़ी जगह या इतना बड़ा कुकर लगाना है, छोटे आयोजनों के लिए छोटा कुकर है, छोटी सी जगह लगती है, और अगर आप घर में यूज़ करना चाहते हैं तो जितनी जगह आपकी कंप्यूटर टेबल लेती है उतना बड़ा सोलर कॉन्सेंट्रेटर हमारे लिए अवेलेबल है, तो जगह इज़ नॉट अ कंसर्न। ये खुले में होना चाहिए और किचन भी डायरेक्ट ही होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। उसके अंदर जो छोटे कुकर है उसमें तो किचन हमने उसी के अंदर लगा दिया, उसमें एक स्टैंड लगा दिया, वहीं पे फोकल पॉइंट बन जाता है, लेकिन जहां पर बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़े कुकर्स लगते हैं, तो यस, उसके अंदर हमें एक्सपोजर सन का डायरेक्ट चाहिए रहता है, कोई बिल्डिंग या आसपास ऐसा पेड़ ना हो, बस उसके ऊपर धूप आनी चाहिए। एक वो जो हम लोग लेंस लिया करते थे मतलब स्कूल टाइम में, उनका सारा मतलब एक एक फोकस पॉइंट बनाते थे, वैसा ही कुछ ये कॉन्सेप्ट? हाँ जी, ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं जैसे हमने स्कूल में कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंसेज के थ्रू आग जलाते थे, हम पेपर को जलाते थे, तो ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, लेकिन हाँ, अगर आप उसको प्रिंसिपली समझना चाहें तो वैसे ही हम लोग एक फोकल पॉइंट पे एनर्जी और टेम्परेचर को गेन करते हैं। देखिए, इसकी कॉस्ट को ऐसे समझा जा सकता है साइज़ के ऊपर कि आपको कितनी साइज़ के कुकर्स चाहिए, कितने लोगों का खाना बनाना है, उस हिसाब से इसकी साइज़ डिसाइड होती है। जो हम लोगों ने अमरनाथ यात्रा पर बालटाल में लगाया, ये 16 मीटर स्क्वायर का इसका पैराबॉलिक शेप है, एरिया है, तो उस हिसाब से इसकी कॉस्ट तय होती है। जो हमने यहाँ पर लगाया है वो करीबन 12 लाख रुपए का है, और ये एक बार लगाना पड़ता है, उसके बाद इसकी कोई कंज्यूमेबल की कॉस्ट नहीं है, ना कोई रनिंग कॉस्ट है। देखिए, ये फिजिबिलिटी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है पहले, कि आपके यहाँ पर धूप का एक्सपोजर कितना है, और भारत एक ऐसा देश है जिसमें 300 दिन सूरज उगता है, तो नॉर्मली कोई ऐसी दिक्कतें आती नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये सोलर कुकर्स हैं, अगर सूरज ही नहीं होगा तो ये चलेंगे नहीं। हमारा इसका एक और अगला वर्जन भी आ चुका है जिसके अंदर हम सोलर एनर्जी को स्टोर भी कर लेंगे। ये सब जो संभव हुआ है वो उसके पीछे जो प्रेरणा है या जिस कारण से हम ये कर पाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि यहाँ के जो LG हैं उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन जम्मू एंड कश्मीर, उन्हें ये काम दिया था, और इस डिपार्टमेंट ने एक बड़ा कदम लिया है, क्योंकि देखिए इतने बड़े काम सिर्फ सरकार ही कर सकती है, और जब तक एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेता कुछ नहीं हो सकता। तो आई वुड लाइक टू थैंक डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिनको की जिनकी वजह से ये सब हम कर पाए हैं। और ये देखिए कि खीर भी आ गई है, ये आप देख सकते हैं ये खीर है, और ये हमारे कश्मीरी वॉलंटियर्स जो हैं, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा कि कश्मीर में एक नई क्रांति जिसको सोलर क्रांति बोल सकते हैं वो आई है, एक एंटरप्रेन्योरशिप की क्रांति आई है, और अब हम बहुत सारे इसमें स्टार्टअप में उनको सहयोग करेंगे, और हमारे कश्मीरी वॉलंटियर्स से भी मैं आपको मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने खीर बनाई है, जो इस सोलर को पूरा चलाते हैं, सोलर कुकर कॉन्सेंट्रेटेड जो हमारा सिस्टम है उसको चलाते हैं, और अब इसके बाद वो मेंटेनेंस भी वो करेंगे, और वैली में शायद अब वो नया एक नए तरीके की सोलर एनर्जी, उसके डिवाइसेस, उसके इनोवेशन की एक नई लहर चलेगी। तो ये मेरे साथ में सोहेल हैं और मेरे साथ में आदिल हैं, सोहेल और आदिल इसको पूरा मेंटेन और रन करते हैं।